नमस्कार, मैं विवेक डोगरा, आप देख रहे हैं प्राइम 18 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा सुर्खियों पर। पूर्व मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा के रिश्तेदार लक्ष्मी प्रसाद कुशवाहा से टेलीफोन पर 1.5 करोड़ की रंगदारी मांगने और न देने पर परिवार को मारने की धमकी देने के मामले में आज पुलिस ने फरार चल रहे 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले फिरौती के मामले में पुलिस 3 अपराधियों को पूर्व में गिरफ्तार कर चुकी है। मुख्य आरोपी फरार से जिसे पुलिस ने आज गिरफ्तार किया है। बांदा से इमरान खान की। तो एक दिन पहले अतरा थाने में एक मुकदमा दर्ज हुआ था जिसमें 1.5 करोड़ रंगदारी की मांग की गई, जिसका सफल खुलासा कर दिया गया था। एक से सभी पते में थे जिसका तब मैंने 25,000 का इनाम घोषित किया था। ये गया प्रसाद यादव अभियुक्त है जिन्होंने पूरे जो प्लानिंग करने में इसका योगदान था और चिटफुट में जो भी व्यक्ति थे उनको कॉल करना था, इन्हें किस तरह से पैसे की उगाही की जाए, ये सारे मास्टरमाइंड यही थे। इसका आज इसे गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। मुकदमे में जितने भी लोग शामिल थे उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है और जैसा कि एक अभियुक्त का आपराधिक इतिहास भी काफी रहा है, आगे की कार्रवाई हम देख रहे हैं कि इसमें कैसे गैंगस्टर आदि की कार्रवाई कर सकते हैं, इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो और कभी भी किसी के पास इस तरह कॉल आए वो पुलिस पर विश्वास करे और पुलिस उसका गोपनीय ढंग से ही सफल आवरण करेगी। और इस तरह के सारे प्रकरण को हम पूरी गंभीरता से ले रहे हैं। इसी का नतीजा है कि जितने भी अभियुक्त हैं गिरफ्तार हो गए हैं और आगे भी कार्रवाई की जाएगी। जैसा कि पहले भी 3 को गिरफ्तार किए थे, ये फरार हो गया था, काफी सी खोजबीन की गई है, लगातार दबिशें की। इसी का नतीजा है कि जल्द ही 10 या 12 दिन भी नहीं हुए होंगे इसकी गिरफ्तारी कर दी गई, इसलिए हमने इसके लिए इनाम भी घोषित किया था।